अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक खालिद है और आप देख रहे हैं टेक मलिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से। जितने भी लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, जी हां दोस्तों, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो इसी वीडियो के अंदर आप दोस्तों को जो है पूरी तफसीलात के साथ जो है बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी कर देना है, ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल सके। सबसे पहली और अच्छी गुड न्यूज़ ये निकल कर सामने आ रही है कि जितने भी लोग पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में रहते थे, इकामा व कवानीन की खिलाफ वर्जी करते पकड़े गए थे, जेलों में कैद थे, जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर कैद थे, उनके लिए एक अच्छी खबर ये निकल कर सामने आ रही है। वजारत दाखिला की तरफ से अपडेट जारी हो चुका है कि 200 पाकिस्तानियों को जो रिहा किया जा रहा है, जितने भी वहाँ पर गिरफ़्तार थे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका कोई दोस्त, आपका फैमिली मेम्बर कोई भी इकामा व कवानीन की खिलाफ वर्जी करते पकड़ा गया था, जेल में कैद था, तो अब पाकिस्तानियों की रिहाई शुरू हो चुकी है। बात कर लें यहाँ पर फ़्लैटों को लेकर, तो बहुत सारे लोगों की फ़्लैटों की भी अपडेट आ रही है यहाँ पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आप छुट्टी पर आए हुए थे और आप अभी तक वापस नहीं जा सके, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द इसी हफ्ते के अंदर या फिर 15 दिन बाद, जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 14 अगस्त से पहले पहले पाकिस्तान की फ़्लाइटें स्टार्ट कर दी जाएंगी। आप दोस्तों को जो है बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी और कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप दोस्तों की जो है लाजमी हेल्प कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, इसके अलावा जितने भी लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं, तो उन सब भाइयों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इकामा व कवानीन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि दोस्तों आपका फील सिस्टम ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपकी कंपनी या फिर आपका कफील आपको तनख्वाह नहीं देता, तो इस सूरत में भी आप अपनी एमबीसी से रब्ता करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है कार्रवाई नहीं करवाते, इसलिए जो है बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे रहते हैं। तो दोस्तों अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।